ये है ब्रांड न्यू लोटस एमीरा। ये इतनी नई है कि अभी शोरूम में भी नहीं आई है। ये शोरूम के नीचे एक टेस्ट कार है, तो वो मैं आपको जो हूँ स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसकी हेडलाइट्स हैं और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है इसका। इसके बोनेट में जो है वो आपको जो है वो वेंट्स नजर आएंगे। वो एक्चुअली स्पॉइलर की तरह काम करती हैं कि वो गाड़ी के लिए डाउनफोर्स पैदा करती हैं, उससे गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होती है। फिर आगे यहाँ पे एयर इंटेक्स हैं और बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी गाड़ी है। हेडलाइट्स मुझे बहुत पसंद आई इसकी, ओवरऑल लुक्स भी बहुत अच्छी हैं। तो ये एक छोटी साइज़ की स्पोर्ट्स कार है और व्हील्स थोड़े से और अच्छे हो सकते थे। खैर लुक्स वाइज अच्छी है, मगर ये कि बहुत ही छोटी सी पार्किंग स्पॉट में खड़ी हुई है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देख सकते हैं कि ये स्पेशल एडिशन मॉडल है, एमीरा फर्स्ट एडिशन। और इस वाले मॉडल में जो है वो V6 वाला इंजन है। तो इसमें दो इंजन के ऑप्शंस हैं, V6 भी आता है और इसमें एक दूसरा इंजन भी आता है। खैर पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आएंगी इसकी, फिर नीचे वेंट्स हैं और इसका डिफ्यूज़र भी है। और जिस तरह से इसके एग्जॉस्ट पाइप्स निकल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है पाइप से, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। ये एक बिल्कुल नया डिज़ाइन है जो कि अमीरा ने निकाला है और ये बहुत ख़ास मॉडल है लोटस के लिए, क्योंकि नंबर वन इन्होंने अपने पुराने मॉडल एवरो को ख़त्म किया जो कि काफ़ी अर्से से चलता आ रहा था, एक्सीज को भी ख़त्म कर दिया है, और ये इनकी लास्ट पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है। अब ये नेक्स्ट जो गाड़ियाँ लेके आएंगे वो सब इलेक्ट्रिक होंगी। तो इसमें जो इंटीरियर अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि सेल्स वाले चले गए, वरना मैं दिखा होता, थोड़ी देर होगी मुझे आने में। और खैर कोई बात नहीं, ये जब शोरूम में आएगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ज़रूर ये गाड़ी जो वो दिखाऊंगा। तो इसमें दो इंजन आते हैं। इसमें जो इंजन अभी आपने देखा V6 है वो है 3500 cc सुपर चार्ज इंजन जो कि टोयोटा ने दिया है। वो पिछली एवरो वाला मॉडल में भी चलता आ रहा था, तो वो बनाता है तकरीबन 400 हॉर्स पावर। इसमें एक और इंजन आता है, वो है 2000 cc टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन, वो बनाता है 360 हॉर्स पावर, वो मर्सिडीज़ ने दिया है। और उसमें आपको जो गियरबॉक्स मिलेगा वो है 8-speed डुअल क्लच गियरबॉक्स, तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। डुअल क्लच में यकीन पैडल शिफ्टर्स होंगे, तो ज़ाहिर है उसको चलाने का मज़ा एक बहुत ही डिफरेंट होगा, मैनुअल का और ऑटोमेटिक का भी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। तो प्राइस वाइज ये यकीनन पोर्श केमन के ही साइज़ की है, उसी की लेवल की परफॉर्मेंस भी है, इंजन वाइज भी उसी से कम्पीट करती है ये। तो प्राइस में भी ये तकरीबन 3 लाख से आसपास ही होगी। अभी कल ही मैंने जो है वो निसान की नई जी देखी है, वो भी इससे थोड़ी सस्ती है मगर इसी साइज़ की ही है, वो भी ज़रूर देखेगा। और हाँ, अगर आपको लोटस की और वीडियोस देखनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको सारे नाम और लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें एक्सीज की गाड़ियाँ भी हैं, एवोरा के भी मॉडल्स हैं और नई वाली 2024 की इलेक्ट्रा SUV है जो कि अभी शोरूम में ऊपर खड़ी थी, उसकी वीडियो भी ज़रूर देखेगा। और जब ये शोरूम नया नया खुला था तो यहाँ पर ये लोग एवाया हाइपर कार लेके आए थे, उसकी भी वीडियो ज़रूर देखेगा। इस एमीरा के जो लुक्स हैं वो भी एवाया से ही इंस्पायर्ड हैं, और एवाया जो है वो एक 2000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक हाइपर कार थी, तो उसकी भी वीडियो ज़रूर ज़रूर देखिएगा, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी थी। तो मुझे बताएगा कमेंट्स में आपको दोनों गाड़ियाँ कैसे